छतरपुर जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक आरोपी ने बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने उन्हें ईमेल पर गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम से धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे थे। जानकारी के मुताबिक 19 अक्टूबर को बागेश्वर धाम की अधिकृत ईमेल आईडी पर धीरेन्द्र शास्त्री को लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली। जान बचाने के लिए आरोपी ने 10 लाख रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत बमीटा थाना में की गई थी, जिस पर एसपी ने टीम गठित कर बिहार राज्य के कंकरबाग से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस आरोपी ने सिम बदलकर 3 बार धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दी थी, जिसे पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होती है। उस जानकारी के आधार पर हमने एक व्यक्ति को ट्रेस किया, उसका मेल ट्रेस किया, उसका एड्रेस ट्रेस किया, उसका नंबर ट्रेस किया और एक टीम को यहाँ से रवाना किया गया पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, जिसमें योग्य और अनुभवी अधिकारियों की टीम थी। उसके द्वारा आरोपी को पहचान करके और पटना बिहार में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में लेकर के बमीठा लेके आए, उससे पूछताछ की गई और जो भी उसने उपयोग किए थे मोबाइल सिम नंबर्स, वो सारे उससे बरामद किए गए। बरामद करके जब्ती की गई, मेमोरेंडम लिया गया और संपूर्ण जो घटनाक्रम और साक्ष्य थे उसमें साइबर टेक्निकली सारे साक्ष्य बहुत ही साउंड रूप से हमको मिले, जिससे प्रूव हुआ कि हाँ ये यही व्यक्ति है। इसके द्वारा 2 बार धमकी दी गई थी, 22 तारीख को भी धमकी दी गई लास्ट और 22 अक्टूबर 2023 को। उसके पश्चात इसके द्वारा अपना मोबाइल बंद कर लिया गया इस डर से कि कहीं इसको ये पकड़ में ना आ जाए। 30 तारीख को इसने पुनः एक दूसरा मोबाइल खरीदा और उसमें अपनी वो पुरानी सिम डाली और उसको चलाया। जिस फ़ोन से इसने वो आईडी बनाई थी उसको फॉरवर्ड किया, ताकि यदि पुलिस या अन्य कोई एजेंसी इसके पास पहुंचे तो ये पकड़ में ना आए। लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया,